नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, पानी की समस्या हो, अस्पताल के हालात, बस सुविधा या कोई और मुद्दा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं आपके शहर, आपके जिले में पेट्रोल पंप पर क्या है आग से निपटने की व्यवस्था। दरअसल अभी कुछ दिन पहले इंदौर में एक पेट्रोल पंप पर आगजनी की घटना हो गई थी, जिसे लेकर अब प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि इंदौर कलेक्टर ने इस मामले में पेट्रोल पंप संचालक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। वहीं हम भी इस घटना को लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में पेट्रोल पंप पर सुरक्षा की कितनी व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम मुद्दों की पड़ताल आज करेंगे। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, जो आज आपके आसपास के पेट्रोल पंप के हालात का जायजा ले रही हैं। हम राजधानी भोपाल के पौश इलाके एमपी नगर में मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप में आप देख सकते हैं कि जो अग्निशमन यंत्र है जिससे आग बुझाई जाती है, इनकी मशीनें हर पेट्रोल और डीजल की मशीन के पास रखी हुई है, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीर हमारे सामने आती है कि जब लोग हाई टेम्परेचर में, गर्मी के मौसम में पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, तो कई बार उनकी गाड़ियों में जो है आग लग जाती है। और कई बार ऐसी भी तस्वीर सामने देखने को मिलती है कि पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त मशीनें उपलब्ध नहीं मौजूद रहती हैं। लेकिन लोगों से कर्मचारी जो हैं क्या अपील करते हैं, हम पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से भी बात करेंगे। जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में अक्सर ये देखा जाता है कि टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, मौसम गर्म रहता है, मशीनें गर्म हो जाती हैं, लोग मोबाइल में बातचीत करते हैं, तो आग बुझाने के लिए आपके पास क्या क्या पर्याप्त साधन है? अपन लोग तो पहले मना कर देते हैं मोबाइल वालों को, मोबाइल यहाँ पे यूज मत कीजिए, बाहर यूज कीजिए। और अपन पास फायर बाटलर रखे रहते हैं, मशीन में दो दो चार चार रखे हुए हैं, तो आग बुझाने के काम में वही काम आता। अच्छा, तो यहाँ पे क्या नोटिस बोर्ड और किसी प्रकार के कोई बोर्ड भी आपने चस्पा किए हैं क्या? हम लोगों के मशीन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे यूज ना करें, ये अपने मशीनों में बना हुआ है एरो का निशान। इसको कौन कौन से सिंबल है, जैसे मोबाइल है और क्या क्या सिंबल? जैसे मोबाइल है, वैसे तो यहाँ सिगरेट माचिस ये अलाउ नहीं है, और गाड़ी में चाबी ऑन करना अलाउ नहीं है, लेकिन आदमी मानता नहीं है। गाड़ी तो स्टार्ट ही रखते हैं और ऑन में डलाते भी हैं, मानते नहीं। आपन लोग मना करने के बावजूद भी नहीं मानते बहुत से लोग। बिल्कुल, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप की मशीन है, मैं आपको मशीन में सिंबल दिखाना चाहूँगा, इमरजेंसी स्टॉप। ये सबसे पहले अगर किसी भी गाड़ी में आग लग जाती है तो आप ये बटन दबा के यहाँ पे आसपास जो है इससे एक सिग्नल, एक सायरन बजता है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो कि आग बुझाती हैं, तत्काल मौके पे पहुँचती हैं, उनको कॉल किया जाता है इमरजेंसी के लिए। इसके साथ ही जो सिंबल मशीन में बने हुए हैं कि आप माचिस की तीली ना जलाएं, आप सिगरेट ना यूज़ करें, इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, और जब आप गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं तो उस समय आपकी गाड़ी चालू ना हो। हालांकि कई बार ऐसी तस्वीर हम देखते हैं, लगातार कर्मचारी लोगों से अपील करते हैं कि आप पेट्रोल पंप में फ़ोन, अपना मोबाइल यूज़ ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग फ़ोन में बातचीत करते रहते हैं और पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं, जिससे कई बड़ी दुर्घटनाएं, घटनाएं जो हैं अक्सर हमारे सामने आती हैं। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज़ भोपाल। इंदौर जीपीओ पेट्रोल पंप अग्निकांड के बाद से प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आया। कलेक्टर ने सीधे तौर के पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर में पेट्रोल पंप्स पर अब स्कैनर इस तरीके से दूर लगाए जा रहे हैं, पास में मोबाइल का इस्तेमाल वर्जित किया गया है, क्योंकि उससे भी स्पार्क होने की गुंजाइश रहती है। साथ ही साथ जिस समय रिफिलिंग की जाती है, सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। टैंकर्स को लगाने के लिए व्यवस्था बराबर की जाती है, और कोशिश इस बात की जा रही है कि हर तरह के प्रिकॉशन लिए जाए ताकि उस तरह के
अग्निकांड की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से जरूरी था क्योंकि शहर के बीचों बीच जब पेट्रोल पंप होते हैं तो कहीं ना कहीं आग लगने का अंदेशा होता है, लेकिन इस अंदेशों को दूर करने के लिए सभी नॉर्म्स को यदि पालन किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। एक बार फिर हम तस्वीरों में देखते हैं कि अब इंदौर शहर में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है जहाँ पेट्रोल पंप पर मोबाइल का इस्तेमाल भी वर्जित किया जाता है कि पेट्रोल पंप पर पास में खड़े होकर आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पार्क की संभावना रहती है। जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने उस अग्निकांड के मामले में शो कॉज नोटिस किया गया है, जारी किया है उस कंपनी के खिलाफ भी जहां से पेट्रोल आता था, साथ ही साथ उस पेट्रोल पंप को सील किया गया है। तब से लेकर अब तक शहर की कई तस्वीरें बदली सी नजर आती हैं। जब इंदौर शहर के अंदर लोगों को यह हिदायत दी जाती है कि अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कम से कम पेट्रोल पंप प्रमाइसिस में ना करें, साथ ही लोडिंग और अनलोडिंग के वक्त वो सभी प्रिकॉशंस लिए जाएं जो कि जरूरी मापदंडों को पूरा करते हों। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। कुछ और जगहों से भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम रुक करते हैं अब रायसेन से अजय गोहिल का। अजय, क्या स्थिति वहां पर पेट्रोल पंप की है? क्या मौजूदा जो इक्विपमेंट है वो ठीक है, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए आग से निपटने के लिए, आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए, वो वहां पर भरपूर हैं? अजय, बिल्कुल पराग, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रायसेन में जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आता है। तो वहीं पेट्रोल पंप संचालक, आपके जो फायर बुझाने वाले जो आपके उपकरण हैं वो पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। हम रायसेन के एचपी पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। आइए हम यहाँ पर हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बाल्टियों में पूरी ये रेत भरी हुई है। पराग, किसी प्रकार की अगर अनहोनी होती है, किसी प्रकार की आग अगर यहाँ पर लगती है तो यहाँ पर निश्चित रूप से उस आग को वहीं बुझाया जा सके। वहीं यहाँ पर अगर चार पेट्रोल वो हैं, पंप की मशीनें हैं, लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि पराग हर मशीन पर एक दो बाटल एक रखी हुई है। ये 10 किलो की बाटल है, बाटला कहा जाता है इसको, बाटला कहा जाता है। दूसरी बाटल अगर आग बुझाने की है वो ये रखी है। वहीं तीसरी बाटल की अगर बात करते हैं पराग, तो हर जो चार मशीनें लगी हुई हैं, चारों मशीनों पे एक एक बाटला यहाँ पर मौजूद है। वहीं जो पेट्रोल टैंक के कर्मचारी हैं वो निश्चित रूप से जो भी पेट्रोल डलवाने आते हैं लोग उनको ये हिदायत देते हैं कि कृपया अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल बंद करिए। बीड़ी सिगरेट यहाँ पर पीने के लिए पूरी तरह से मनाही होती है क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें तुरंत आग पकड़ती है। लेकिन अगर पेट्रोल टैंक हम रियलिटी चेक करने पहुंचे तो यहाँ पर हम एक चीज जरूर पाते हैं पराग कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है, अगर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जो आग बुझाने के जो बाटला है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरे हमने उनको चेक किया। निश्चित रूप से हम फिर दिखाएंगे आपको कि हमने पहले भी एक बार चेक किया कि ये पूरे भरे हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल टैंक संचालक जो है वो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर किसी पर बड़ी अनहोनी से निपटना है तो ये चीजें यहाँ पर बिल्कुल सुदृढ़ होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हम अब बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ये इसमें कहा जाता है कि कोल्ड गैस भरी होती है। ये आग लगने के जो उपकरण होते हैं जैसे मशीने वगैरह है, इनमें अगर आग लगती है तो उन मशीनों को इस वाली गैस से आग बुझाई जाती है। ये पूरा इनके सिस्टम है पेट्रोल टैंक का जिसको यहाँ पर आग लगाने का या बुझने का, ये वो एक स्विच है, मैं दिखाना चाहूंगा पराग कि ये वो स्विच है, इमरजेंसी स्विच इसको बोला जाता है कि अगर इसको दबा देंगे तो पूरी लाइट पूरी बंद हो जाएगी और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए यहाँ पे जो बाटला चाहिए वो पूरे यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर पेट्रोल टैंक के संचालक कुछ मैनेजर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्योंकि पेट्रोल टैंक एक ऐसी वो है पदार्थ है, पेट्रोल जरा में आग लगती है तो किस प्रकार की सावधानियां बरती जाती हैं आग बुझाने के लिए? आग बुझाने के लिए सर सबसे पहले रेत का प्रयोग किया जाता है, बाटला रखा है, फायर बाटला, उसको तुरंत खोलकर उसको आग बुझाने के लिए बुझाई जाती है। और ज्यादातर सख्त ये रहती है कि अपन होशियार रहे कि आग ना लगे, जहां तक कोशिश ये करते हैं कि आग ना लगे। अगर इत्तेफाक अगर कोई वजह से लग जाती है तो उसको अपन कंट्रोल में उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप मुझे बता रहे थे अभी कि जो आग लगने के बाद जितने उपकरण आपके पेट्रोल टैंक पे मौजूद होना चाहिए वो सारे उपकरण मौजूद हैं और उनकी देखरेख के कैसे करते हैं फिर आप? तो समय समय पर हम टेस्ट करते हैं, आग लगाते हैं और उसको बुझा को भी देखते हैं, बाहर ले जाते ग्राउंड में अपने फायरबाज में जो यंत्र सही चलना है और बाहर समय समय पर रेत भी चेंज की जाती है ताकि रेत गीली ना हो, सूखी रहनी चाहिए हमेशा ताकि वो आसानी से आपके ऊपर अपन डाल सकते।
कभी ऐसा नौबत आई कि कभी इनका प्रयोग करना पड़ा हो तो अपन ने बहुत जल्दी से आग पर काबू पा लिया हो गया। हम पे तो खैर नौबत नहीं आई लेकिन पांच दिन से एक दो बार आग लगी दोबारा तो अपने पार पार से मार कर जाए। तो पराग आप देख सकते हैं कि अगर पेट्रोल टैंक पे तो ऐसी नौबत नहीं आई लेकिन पेट्रोल टैंक जो मैनेजर हैं जो कर्मचारी उन्होंने बताया हमको कि यहाँ पर आसपास जगह जब भी आग लगी है तो पेट्रोल टैंक से ही फायर वाटला वहाँ गया है और आग बुझाई गई है। तो ये पेट्रोल पंप की एक अच्छी पहल कह सकते हैं कि किसी मानवता के नाते इन्होंने वहाँ जाकर आग बुझाई है। लेकिन अगर पेट्रोल टैंक की बात करते हैं तो पेट्रोल टैंक पे जो है आग बुझाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है पराग। ठीक है ठीक है अजय आप बने रहिए। अब हम सीधा शौकत का रुख करेंगे बालाघाट से। इस वक्त शौकत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौकत बालाघाट में क्या व्यवस्थाएं पेट्रोल पंप पर आप देख रहे हैं वहां पर जरा जायजा लीजिए और जानिए कि क्या जो माकूल व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए आग बुझाने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए है या फिर उनमें लापरवाही है। शौकत देखिए पराग बालाघाट की हम बात करते हैं। मैं बालाघाट के सरेका स्थित करण पेट्रोल पंप में खड़ा हूं जहां पर हम रियलिटी भी करेंगे लेकिन इसके पहले जहां तक हमने रियलिटी किया हमने देखा कि यहां पर अग्निशामक को लेकर तमाम तरह की सुरक्षा देखी जा रही सुविधाएं देखी जा रही। यहां रेत का ढेर रखा हुआ है अग्निशामक को लेकर। यहाँ दो जो पेट्रोल पंप स्थल है वहीं पर अग्निशामक रखा हुआ है और रेत का ढेर भी रखा है। सुरक्षा को लेकर अपन बात करते हैं तो तमाम तरह की अप्रोच है आने जाने का चाहे पानी टैंकर मंगाना हो तब मतलब आसानी से यहाँ पहुँच सकता है। सबसे बड़ी बात है कि फायर जो टैंक होती है वो यहाँ पर मौजूद है। दोनों जो पेट्रोल पंप का जो स्थल है वहाँ पर दोनों साइड में ये फायर टैंक रखा हुआ है और एक तरह से अच्छी सुविधा कह सकते हैं आगरे। हालांकि बड़ी बात गनीमत है हम लोग जब से इस लाइन को हम मतलब बिलोंग कर रहे हैं तब से देखें कि बालाघाट में कभी इस तरह के हालात तो निर्मित नहीं हुए हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह की सुविधाएं पेट्रोल पंप संचालकों ने रखी है ताकि भविष्य में कभी कोई चीज़ें ऐसे हादसा होता है तो इस तरह की सुविधाएं जो रहने से तत्काल उस पर नियंत्रण रख सके। पेट्रोल पंप में मैं और एक जगह रियलिटी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में यहाँ पर मेरे कैमरा वाला साथी है जो यहाँ बाल्टी फायर के लिए रेत से भरा हुआ बाल्टियाँ रखी हुई है। 8 बाल्टियाँ रखी हुई है देखिए कि इसमें सब में रेत भरा हुआ है। ये सब पूरा आप देख सकते हैं रियलिटी के हम दिखाना चाहेंगे किस तरह की सुविधाएं हैं। ये एक मतलब पहले से पूर्व से ही सुविधा रखी हुई कि यहाँ पर अगर आवश्यकता पड़ती है किसी तरह की आगजनी के घटना के दौरान तो इसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा रेत का ढेर भी है पराग में बता दूं देखिए ये रेत का ढेर है इतना यहाँ पर रेत का ढेर भी रखा हुआ है ताकि कोई ऐसी स्थिति भले हालात बने तब इस तरह का इसका भी उपयोग कर सके। तो एक तरह से यहाँ पर अग्निशामक को लेकर व्यवस्था है लेकिन जहाँ तक आम जन को चेतावनी आम जन को सुझाव देने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि उस तरह का यहाँ सुझाव नहीं है। चाहे जैसे मोबाइल का उपयोग करना है कि गाड़ी अगर हम पेट्रोल भराने आए तो मोबाइल का उपयोग ना करें ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर चूक दिखने मिल रही है। चूँकि पेट्रोल पंप को लंबे हमारे साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी हैं हम उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि ये सुविधा को लेकर वो किस तरह से पहल कर रहे हैं क्या शासन प्रशासन से कोई दिशा निर्देश जी बताएं या क्या आपको दिशा निर्देश है अग्निशामक को लेकर क्या क्या व्यवस्था कर रखी है आपने। अग्निशामक को लेकर फायर सिलेंडर मौजूद है और आग बुझाने के लिए रेत मौजूद है पीने का ठंडा पानी उपलब्ध है हवा मशीन है ग्राहकों की सेवा के लिए। कभी आग जैसे जनिक जैसी कोई घटना हुई है यहाँ पर कभी नहीं। अच्छा जैसे आपको कभी ऐसी स्थिति बनती है तब कैसे क्या संपर्क कैसे करेंगे किसको बुलाएंगे आप लोग तुरंत में फायर विकेट को फोन किया जाएगा। अच्छा नंबर है आप लोग के पास। हाँ नंबर है। अच्छा कहाँ लगाया हुआ है। अच्छा यहाँ सूचना भी लगाया हुआ है उसका संपर्क करने के लिए। हाँ, ये सब लगा हुआ है मतलब कभी ऐसी स्थिति बनी है नहीं। अच्छा हम देखते हैं कि लोग पेट्रोल भराने आते हैं मोबाइल का यूज करने लगते हैं गाड़ी ऑन ऑफ करने लगते हैं तो इसको लेकर क्या दिशा निर्देश है। इसमें क्या है फोन पे की सुविधा उपलब्ध है तो मोबाइल निकाल के फोन पे ट्रांसफर करने की कोशिश कर। अक्सर जैसे इंदौर में घटना हुई है इस तरह की मोबाइल के उपयोग करने से मतलब आगजनी की घटना हुई तो क्या यहाँ पर भी कोई ऐसा दिशा निर्देश दे रहे हैं आपके यहाँ से। हाँ मोबाइल से ज्यादा देर बात करने वालों को
थोड़ा आउट में जाके बात करने बोल देते हैं। अच्छा, ऐसी हिदायत देते हैं आप। हाँ, हाँ। तो देखिए पराग, हमने यहाँ के कर्मचारी से बात की, जिनने कहा कि हम लोग मोबाइल पे जब कोई बात करते रहता है तो उनको हिदायत देते हैं कि आप यहाँ पर बात नहीं करेंगे जी। तो ये इस तरह की यहाँ पर हालात, एक तरह से सावधानी बरती जा रही है आगजनी आग्नेशाओं को लेकर। तमाम सुविधाएं भी है, हम हवा भरने की भी यहाँ सुविधा रखी, पेयजल की सुविधा रखी है, अंदर उपभोक्ताओं के लिए यहाँ पर पर्याप्त सुविधा देखी जा रही है। ठीक है शौकत, आप बने रहिए, बड़वानी का रुख करेंगे। योगेश इस वक्त हमारे साथ बड़वानी से जुड़े हुए हैं। योगेश, बड़वानी के पेट्रोल पंप पर आप इस वक्त हैं, वहां पर क्या स्थिति है? चूंकि देखिए गर्मी का सीजन है, भीषण गर्मी पड़ रही है और आगजनी की घटनाएं गर्मी में बढ़ जाती है, खासकर पेट्रोल पंप पर, और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होती है। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर आग से निपटने के लिए हैं योगेश? बिल्कुल पराग, अगर बड़वानी की बात की जाए तो बिल्कुल सही है कि अभी जो भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, अगर तापमान की बात करें तो 45 डिग्री से ऊपर तापमान चले गए, और ऐसे में अगर बात की जाए पेट्रोल पंप पर तो खास सावधानी की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले जायजा लेने की कोशिश करूंगा कि अग्निशामक उपकरण है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं या नहीं। तो अग्निशामक यंत्र तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन काफ़ी पुराना नज़र ये आ रहा है। वहीं अगर मैं दूसरी ओर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर 2 मीटर है और दोनों मीटरों पर अग्निशामक यंत्र नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ इंडिकेशन के तौर पर मोबाइल फोन सिगरेट और अन्य चीजों के लिए वर्जित भी किया गया है। अब मैं जानने की भी कोशिश करूंगा कि जो जनता है वो कितना पालन करती है, जब पेट्रोल पंप पर आते हैं तो मोबाइल वर्जित है। वहीं अगर बात की जाए तो गाड़ियों को भी बंद स्विच करके ही उसमें पेट्रोल डालना रहता है। यहाँ पर जो कर्मचारी है मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, सर अगर बात की जाए सुरक्षा के हिसाब से तो कितने इंतजाम है? बात कीजिए, मैं पेट्रोल डालता हूँ जी। बिल्कुल, तो मैं इधर जायजा लेने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर दूसरे जो कर्मचारी हैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। सर अगर बात की जाए अग्निशामक यंत्र की तो यहाँ पर है? हाँ है सर। कितने यंत्र है? 4 है। और क्या क्या इंतजाम है यहाँ? वो भैया से पूछ लो, मैं तो नया हूँ। बिल्कुल पराग, तो अग्निशामक यंत्र तो यहाँ पर नजर आता है लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की अगर बात की जाए तो जो चालक होते हैं वो वाहन को चालू गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भरवाते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं पर हमने देखा कि मोबाइल भी फोन चालू रहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना भी जताई जाती है। ठीक है योगेश, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम अजय को ही आरोप करेंगे। अजय, बहुत ज्यादा जरूरी है सावधानी बरतना, इसके लिए लोगों को जागरूक कितना वहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जैसा कि आपने इससे पहले बताया कि बीड़ी सिगरेट पीना मनाही है, माचिस जलाना, लाइटर जलाना वहाँ पर मनाही है, मोबाइल का इस्तेमाल हो सकता है कि लोग फोन पे या गूगल पे या पेटीएम पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए जो पेट्रोल पम्प के संचालक हैं, जो पेट्रोल पम्प का प्रबंधन है, वो क्या कर रहा है? क्या वहाँ पर कोई साइन बोर्ड इस तरीके के लगाए हुए हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, मैं आपको पराग यहाँ पर बताना चाहूंगा, चूंकि हम मुख्य बाजार में स्थित ये पेट्रोल पंप है, एचपी का पेट्रोल टैंक है, हम यहाँ पर पा रहे हैं कि इन्होंने अग्निशामक यंत्र तो पूरे हैं और अपडेट हैं, पूरे बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पर रेत की भी बात करते हैं तो रेत भी यहाँ पर बदली जाती है, हम उनसे ही बात करते हैं, जो पंप के यहाँ पर मैनेजर है, जो कर्मचारी, हम उनसे ही बात करते हैं कि चूंकि गर्मी के दिनों में आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं कहीं आपने साइन लगवा रखे हैं, साइन बोर्ड लगवा रखे हैं क्या कि आग सिगरेट पीना मना है या पेट्रोल टैंक से दूरी बना के रखे हैं, मोबाइल पे बात ना करें, क्या व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं? ये है सामने सामने पे जैसे कि देख रहे हैं कि प्रदेश में और देश के अंदर गर्मी का बहुत नजर रखी जाती है और इसके लिए पेट्रोल पंप की जरूरत से ज्यादा व्यवस्था करना पड़ती है, तरल पदार्थ है, गैस निकलती है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आपने कहीं कहीं जगह जगह लिखवा रखा है, कहाँ कहाँ लिखवा रखा है कि बच्चों के पास सब कुछ अपने फोन लगे रखे हुए हैं ताकि ग्राहक को, कस्टमर को जो समझ जाए कि यहाँ पर मोबाइल का उपयोग नहीं करना, बीड़ी सिगरेट का उपयोग नहीं करना, कर्मचारियों को भी हिदायत दी जाती है नहीं करना, कर्मचारियों को भी हिदायत दी जाती है कि वो भी अपने मोबाइल का उपयोग ना करें, बीड़ी सिगरेट ना पिए या किसी अन्य व्यक्ति को भी ना पी लें। अभी जैसे बात कर रहे थे, जैसे ये रेत है, ये कितने दिन बाद इसको आप बदलते हैं, कितने दिन तक ये काम में रहती है और कितने दिन बाद इसको बदलते हैं? इसके अंदर क्या नमी नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये काफ़ी दिन तक रखी रह सकती है, 2-3 महीने तो तब भी रह सकती है। इसके बाद इसको धूल वगैरह जम जाती है, इसको हटा दी जाती है, रेत को चेंज कर दी जाता है, रेत को ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, अपन 1-2 महीने में इसको चेंज करते रहते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। वो जो CO2 वगैरह जो अपने फायर वार्ड में ABC वाले ये साल में होती है,
धान में एक बार इसको रिफिल किया जाता है कंपनी के द्वारा। अच्छा, जैसा कि आप मान लीजिए आपने ये गैस आज भरवाई है आग बुझाने के लिए, लेकिन अगर इसका प्रयोग नहीं हो पाता तो भी क्या एक साल बाद इसको भी करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि देश निकल जाती है और एक्सपायर हो जाता है। चलिए, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि हमारे यहाँ कर्मचारियों को भी हिदायत दी जाती है, तो लोगों को किस प्रकार समझाई देते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के पेट्रोल टैंक है, यहाँ पर बड़ी सिगरेट पीना मोबाइल चलाना प्रतिबंधित है? लोगों को इस प्रकार से हिदायत दी जाती है कि पेट्रोल की गैस और उसकी जो तरंगें होती मोबाइल की बात जब करते हैं तो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, यदि ये टच होंगे तो विस्फोट हो सकता है। और अपन जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो उनसे भी अधिकतर ये कहते हैं गाड़ी को बंद करके ही पेट्रोल डलवाया, चालू गाड़ी में न डलवाया, इससे भी आग लगने का खतरा बना रहता है। ये समय समय को सभी को करेक्शन निगाह रखना पड़ती है, आपको निगरानी रखना पड़ती है, सुबह शाम तक कोई व्यक्ति नींद पीछे तो नहीं आ रहा, कोई मोबाइल तो नहीं चला रहा या अपने कर्मचारी तो नहीं चला रहा, इनको मना करना पड़ता है। इसका पराग आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बारी सावधानियाँ पेट्रोल टैंक जो कर्मचारियों उनको भी रखना पड़ती है। हालांकि उन्होंने ये बात बताई कि क्योंकि जो भी ये बाटला जो बोला जाता है इसकी गैस चाहे प्रयोग आए चाहे नहीं आए, लेकिन एक साल में कंपनी के द्वारा इसको यहाँ पर बदला जाता है। भाई अगर और व्यवस्थाओं की बात करते तो हालांकि जी ठीक है। अजय बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। योगेश आपका बहुत शुक्रिया, शौकत आपका बहुत शुक्रिया। अलग अलग शहरों से आपने देखा हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड से आप तक रिपोर्ट पहुंचाई है, रियलिटी चेक किया है पेट्रोल पंप्स का कि आखिर क्या इक्विपमेंट वहां पर आग बुझाने के लिए है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कोई लापरवाही तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सावधानी अगर पहले से बरतेंगे तो बड़ी घटना होने से रोक सकते हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन से इन तमाम खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों की आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।